बिल्कुल, ये भी एक देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल हम इंडिया लेवल पे देखें तो बहुत सारे जो है भूस्खलन के हमें जी जी बहुत ज़्यादा हाँ बहुत ज़्यादा इसके बारे में हमें पता चल रहा है। और भूस्खलन जो है बेसिकली वो है क्या, जब हमारा सॉयल है, रॉक डेब्रिस है, वो सारा जो हमारे स्टीप स्लोप्स हैं उनसे नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कह देते हैं। तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें देखी गई है, कहीं पे रोड ब्लॉकेज हो रहा है, कहीं पे गांव के गांव कई बार इससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हिमालयन और वेस्टर्न जो वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स में दोनों ही जगह ये प्रोमिनेंट है, लेकिन यहाँ पे एक बात देखने की ज़रूरी है, जैसे कि उन्होंने पूछा है कि हिमालयाज़ में ही ये क्यों ज़्यादा है और वेस्टर्न घाट्स में ये जो लैंडस्लाइड वाले हमारे जो एक्टिविटी है ये क्यों कम है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि आखिर भूस्खलन हो क्यों रहा है। जी भूस्खलन हो रहा है हमारा या तो कहीं पे मुख्य कोई भूकंप आया है, या कहीं पे टेक्टोनिक एक्टिविटी हो रही है, या कहीं पे आप देखेंगे भूगर्भीय संरचना हो रही हैवी रेनफॉल है। ये जो हमारे थोड़े फिजिकल कारण है, इसके अलावा मैन मेड कारण भी है जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के रूप में लेते हैं। जी वो कारण है कि जैसे बहुत ज़्यादा डैम कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, जगह जगह डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन हो रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो कि भूस्खलन को प्रेरित करती है, प्रमोट करती है, प्रवोक करती है इन सब चीज़ों को। अब हिमालयाज जो है हमारे, हिमालयाज में ये ज़्यादा भूस्खलन की एक्टिविटी आपको मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और उनकी हाइट भी हम देखा जाए तो वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे हैवी रेनफॉल और मिक्स टाइप ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आपको मिलती है। मिक्स टाइप कैसी है कि वहाँ पे आपको पत्थरों के साथ साथ मिट्टी का भी मिलेगा, आपको लगेगा कि जैसे रेत के पहाड़ बने हुए हैं। जैसे कि हम हिमालय में घूमने जाते हैं तो आपने भी जी ये नोटिस करा होगा जी विनीता जी देखा है कि हाँ ऐसा लगता है जैसे मिट्टी से वो कवर है पहाड़। तो ये जो मिक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जैसे ही हैवी रेनफॉल होती है और हट जाता टेक्टोनिक है एक्टिविटी या वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो इसीलिए वहाँ पे लैंडस्लाइड की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और ज़्यादा लार्ज स्केल में होती है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप्स भी जो है वो ज़्यादा स्टीप है। वेस्टर्न घाट में आपको निम्न टेक्टोनिक एक्टिविटी मिलेगी, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली रॉक स्ट्रक्चर है, तो मिट्टी नहीं है कि मिट्टी फटाफट से जो आ जाती है आपके नीचे, वो वाली दिक्कत वहाँ पे आपको कम मिलती है। और साथ में क्या है कि वहाँ पे ऊंचाई भी हिमालयस के, अगर हम देखें हिमालयस के कंपैरिजन में, तो कम है। तो इन्हीं वजह से लैंडस्लाइड की जो एक्टिविटी है, भूस्खलन की एक्टिविटी, आपको वेस्टर्न घाट्स में कम मिलती है और हिमालयन एरियाज में ज़्यादा मिलती है।